अमिताभ बच्चन की हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली खबर झूठ थी। अमिताभ बच्चन की नहीं हुई थी एंजियोप्लास्टी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर बिग बी ने बताई है फेक। वेल, बीते दिनों अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटल में एडमिट होने और एंजियोप्लास्टी कराने की खबरें आई थी। हालांकि बिग बी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक स्टेडियम में मैच एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के करोड़ों फैंस हैं और जो हमेशा एक्टर की सलामती की दुआ करते रहते हैं। तो वहीं बीते दिन खबर आई कि बिग बी की तबीयत नासाज है और वो मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। वेल, शाम तक खबर आई कि बिग बी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि ना तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और ना ही अमिताभ बच्चन के ऑफिस से 81 ईयर स्टार के अस्पताल में भर्ती या छुट्टी होने की पुष्टि की गई है। तो वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बीच अमिताभ को एक स्टेडियम में अपनी टीम को चीयर करते हुए देखा गया। वेल, इसकी फोटोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और एक्टर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये शेयर की हैं। दरअसल ठाणे के दांदोजी कोंडादेव स्टेडियम में टाइगर्स ऑफ कोलकाता के खिलाफ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में अमिताभ बच्चन अपनी टीम माझी मुंबई के लिए चीयर करते हुए नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो में बिग बी को पूरे जोश में अपनी टीम को चीयर करते हुए देखा जा सकता है। बिग बी के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन इस दौरान व्हाइट हुडी पहने हुए नजर आए थे, जिसे उन्होंने ब्लैक जॉगर्स और स्पोर्ट्स शूज के साथ पेयर किया था। पिता बेटे की जोड़ी ने अपनी टीम को रोमांचक फाइनल मैच खेलते हुए देखा है और इतना ही नहीं, स्टेडियम में उनके साथ क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी नजर आए थे। वहीं मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैच के बाद जब अमिताभ स्टेडियम से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे उनके हेल्थ के बारे में पूछा। इस पर बिग बी ने अपनी बीमारी की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फेक न्यूज। वेल, इन सब के बीच फैंस अपने पसंदीदा मेगा स्टार को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश हैं। बता दें कि शुक्रवार दोपहर से ही अमिताभ बच्चन के हेल्थ को लेकर काफी खबरें आ रही थी और कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वो रेगुलर चेकअप के लिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए थे। तो वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें एंजियोप्लास्टी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनके पैर में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए ब्लॉक्ड धमनियों और रक्त वाहिकाओं यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो उसको खोलने के लिए एक बेलून प्रोसीजर किया गया था। तो वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ब्लॉक्ड आर्टरी के लिए उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। अब इन सबके बीच सुपरस्टार ने शुक्रवार को दोपहर में ट्विटर पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी किया था, T4950 सदैव ग्रेटिट्यूड। इसके एक घंटे बाद उन्होंने स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए बेटे अभिषेक की माझी मुंबई टीम पर एक प्रमोशनल वीडियो भी अपलोड किया था। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की अगर अभी बात करें तो एक्टर की लास्ट रिलीज्ड फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृतिका सनन गणपत थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो वहीं अब बिग बी जल्दी ही दीपिका पादुकोण और प्रभास के साथ कल्कि 2898 AD में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपके इस पर क्या व्यूज हैं नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।